गुड मॉर्निंग वैसे साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, बाजार पर आपका आउटलुक आज और कल एक्सपायरी तक क्या व्यू बन रहा है और साथ ही अपडेट्स भी। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो आज अगर डिप मिल जाए 650-700 का तो ले लेना आंखें बंद करके, एक्सपायरी 800 के ऊपर ही होगी। और मैं कहता हूँ कि ये रोज का ऊपर नीचे सुबह और का आधा घंटा और एक घंटा है, उसके बाद मार्केट स्टेबलाइज है। द बिगर थिंग इज दैट इवन दो क्रूड हैज बूम बैक, योर कंजम्पशन हैज पिक्ड अप ट्रेमेंडसली। और अब आप देखिए मेटल्स में क्या रैली आ रही है। लास्ट वीक आपके सारा हफ्ता में वेदांता, हिंडालको, टाटा स्टील, जिंदल स्टील सब पे बाय था। गुजरात गैस एक और मेरा आउट परफॉर्मर था। कल मैंने आपको HDFC और HDFC बैंक कहा था। आज अगर बाजार में चलना है यही दोनों शेयर चलेंगे, दोनों ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को है। अब आपके लिए दो नहीं तीन कॉल्स है और तीनों आउट परफॉर्मर है सर, बताए। HDFC AMC आंखें बंद करके लो, 2200 का टारगेट हो जाएगा, लेकिन अभी 1750 में लीजिए, 1715 का स्टॉप लॉस, 1800 से पहले मत बेचना। दूसरा पिक जुबिलेंट फूड वर्क, यही मौका है लेने का क्योंकि आज थोड़ा सा क्रूड बढ़ा है। द सेल्स एंड द प्राइसेस हैव गॉन अप, जो हमें सोर्सेज से पता लगा, दे हैव रेज्ड द प्राइसेस ऑफ पिज्जा और डिमांड इज रोबस्ट। तो 508 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 493, 550 का वापस टारगेट, 5% का, 5-7% का आपको मूव इसी दिन में मिल जाएगा। तीसरा पिक कोफोर्ज, मैं कह रहा हूँ मिड कैप IT, मैं लास्ट वीक से कह रहा था परसिस्टेंट LTTS, अब कोफोर्ज लीजिए 3680 में, स्टॉप लॉस ऑफ 3620, टारगेट ऑफ 3850। ओके, तो तीन स्टॉक खरीदारी करने की राय है आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। HDFC म्यूचुअल फंड खरीदे, 1715 का स्टॉप लॉस, 1800 का टारगेट। जुबिलेंट फूड खरीदें, 493 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। HDFC म्यूचुअल फंड खरीदे आप, 3620 का स्टॉप लॉस, 3850 का टारगेट। सॉरी, कोफोर्ज खरीदें, माफ कीजिएगा, तीसरा स्टॉक कोफोर्ज है, 3620 के स्टॉप लॉस से खरीदेगा और टारगेट आपका होगा 3850 का। ओके, ये है आपके लिए तीन के तीनों स्टॉक खरीदारी करने की राय आपकी तरफ। आइए